जय जनेंद्र, परिषण महापर्व का स्वागत करते जैना प्रस्तुत करती है डॉक्टर धर्मचंद जैन के दैनिक प्रवचन। धर्मचंद जी जैन स्कॉलर है, दिलीप भाई जैनारायण व्यास कॉलेज में संस्कृत विभाग में वो डीन रह चुके हैं और होने के बाद अब जयपुर में रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं धर्मचंद जी जैन। और बोलो बस ठीक है। नमो परिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एसो पंच नमुक्कारो सर्व पावप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। दशलक्षण पर्व का आज 1 सितंबर 2022 को द्वितीय दिवस है और आज हम मार्दव धर्म की चर्चा करेंगे। मार्दव धर्म मान कषाय को जीतने में सहयोगी होता है, तो विशेष रूप से मान कषाय की चर्चा करेंगे। उसमें मार्दव उसको जीतने में सहयोगी होता है, इसकी भी कुछ चर्चा करेंगे। और इस आज के कार्यक्रम में जेना के अध्यक्ष हरीश भाई शाह, संयोजक दिलीप वी शाह जी और सेक्रेटरी अतुल शाह जी का अभिवादन करने हुए सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। ये दशलक्षण पर्व जिसको हम परीक्षण पर्व भी कह सकते हैं, आत्मशुद्धि के पर्व है। हर दिन अपने को शुद्ध बनाने के लिए आता है। कल हमने क्षमा की बात की थी, उत्तम क्षमा की बात की थी, आज हम उत्तम मार्दव की बात करेंगे। और ये उत्तम मार्दव मान कषाय को जीतने का बहुत बड़ा साधन है। नमस्कार मंत्र में भी अभी जैसा उच्चारण किया, इसमें जो नमो पद है वो अपने को विनयशील बनाता है और जो विनयवान होता है उस पर मान कषाय उतना हावी नहीं होता। विनयशीलता कहें, कोमलता कहें, मृदुता कहें या मार्दव गुण कहें, ये मान कषाय को जीतने में सहायक होते हैं। ये सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। मान कषाय जिसको कषाय कहा गया है, और कषाय वह होता है जो हमें संसार में रुलाता है, संसार की अभिवृद्धि करने में सहायक होता है, वो कषाय है। तो मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय माने गए हैं। आज हम मान कषाय की, जिसको अभिमान भी कहते हैं, घमंड कहते हैं, दर्प कहते हैं, गर्व कहते हैं, विभिन्न शब्दों से उसको पुकारा जाता है, उस अभिमान की चर्चा करेंगे। हम ये सब जानते हैं कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह सत्य से दूर चला जाता है, वह सबको अभिमान की तुला पर तुलता है। दूसरा, दूसरों के गुणों को देखने की दृष्टि का ह्रास हो जाता है, उसे दूसरों के गुण दिखाई नहीं पड़ते। तीसरा, वह अनित्य वस्तुओं के आधार पर, अनित्य पदार्थों के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है। आत्मा लेकिन स्वयं का मूल्यांकन धन संपदा आदि के आधार पर, अपनी अपने देह के आधार पर, अपनी तपस्या आदि के आधार पर, या कहें किसी भी आधार पर वो अपना जब मूल्यांकन करता है तो मान कषाय पुष्ट होता है। और वो हमारे से भिन्न है सब चीजें, फिर भी उसका अभिमान होना निश्चित रूप से हमारे लिए
उपादेय नहीं है, घातक है। चौथी बात यह होती है, जो मानी व्यक्ति होता है वह दूसरों की निंदा करता है या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और स्वयं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। उसे स्वयं की प्रशंसा करना अच्छा लगता है अथवा उसकी प्रशंसा हो रही हो तो सुनना अच्छा लगता है, निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता, प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। ये चार बातें हर एक अभिमानी में पाई जाती है। जो भी मान कषाई को पुष्ट करता है, मान कषाई से युक्त होता है, उसमें ये चार बातें, कम से कम ये चार बातें पाई जाती हैं, और भी पा सकती हैं, पर अभी हमने इतनी ही बातें यहाँ पर रखी हैं। आगमों में, श्वेतांबर आगमों में भी और दिगंबर परंपरा के मूलाचार में रत्नकरण श्रावकाचार में और मोक्ष पागुड़ में आठ मदों की चर्चा की गई है। जो आठ मद एक प्रकार से अभिमान के ही द्योतक है, उनमें है जाति, कुल, बल और रूप। ये चारों हमारे शरीर से संबंधित है, जन्म से और शरीर से संबंधित है। फिर तप, ये तप हमारा तपस्या करना हमारा गुण हो सकता है और श्रुत यानी ज्ञान हमारा गुण हो सकता है, इनका भी अभिमान होता है। लाभ का अनुमान होता, अभिमान होता है। लाभ जो हमको कोई प्राप्ति हुई है कि मेरे पास तो इतना धन हो गया है, या जो भी प्राप्ति होती है, चाहे वो सद्गुणों की हो या अन्य जो भी लाभ होता है, बाह्य वस्तुओं का लाभ होता है, उनके कारण से अभिमान होता है। और आठवां है ऐश्वर्य से लाभ होता है, ऐश्वर्य का अभिमान होता है। इस तरह से आठ प्रकार के मद कहे गए हैं। इन आठ प्रकार के मदों से अभिमान पुष्ट होता है, या आठ मद अभिमान रूप ही होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब अगर हम अभिमान को देखें तो अभिमान तीन प्रकार का अभिमान होता है। मोटे तौर पर हम विभाजन करें तो एक अभिमान होता है अनित्य पदार्थों का के आधार पर अपना मूल्यांकन करने से, जैसे देह के साथ में अपना मूल्यांकन किया, धन के साथ में अपना मूल्यांकन किया, वस्तुओं के साथ में अपना मूल्यांकन किया, कार आदि के आधार पर किया हो या अन्य भूखंड के आधार पर किया हो। हमने जो वस्तुएं अपने स्वामित्व की समझ रखी है या हमारे साथ लगी हुई हैं, उनके आधार पर हम अपना मूल्यांकन करते हैं, तो उससे एक तो उससे मान कषाय पुष्ट होता है। बल्कि यूं कहें कि मान कषाय होता क्या है, मान लेना मान कषाय है, किसी अन्य वस्तुओं के आधार पर अपना स्वरूप निर्धारित कर लेना, या कहें कि अपना कुछ अस्तित्व स्वीकार कर लेना, अपना कुछ अभिमान में स्वरूप स्वीकार कर लेना, वही मान है। कि जैसे मैं धनी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, इस तरह से किसी के साथ भी अपना ये स्वरूप समझ लेना, अनित्य के साथ में पहले हम बात करेंगे। दूसरी फिर और विभाजन करें तो दूसरा हमको अभिमान होता है गुणों के आधार पर अभिमान होता है। हमको हमारे में कोई गुण है, जैसे मैं सेवा का गुण वाला हूँ, या मेरे में ज्ञान खूब है तो मैं अपने को ज्ञान का अभिमानी बन जाता हूँ। वो वस्तु तो है, वो ज्ञान हमको लगता है, जानकारी विशेष हो सकती है, पर वो अज्ञान रूप होती है, अज्ञान का ही हमको अभिमान हो जाता है, पर हम उसको ज्ञान समझते हैं और उससे अभिमान हो जाता है। ये ऐसा अभिमान जो गुणों का अभिमान होता है। दानी कोई व्यक्ति है तो दान के गुण का अभिमान उसको हो जाता है। कोई उदार चेता व्यक्ति है तो मेरा जैसा उदार व्यक्ति नहीं है, ऐसा अभिमान हो सकता है। कोई तपस्वी है, तपस्या करता है, उसका अभिमान हो सकता है। तो गुण का भी अभिमान होता है, और गुण का अभिमान होना भी दोष है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने को गुणवान समझते हैं, नीतिमान समझते हैं, नैतिक समझते हैं, बहुत बड़ा नैतिक व्यक्ति है, उसका भी अभिमान हो सकता है। तो गुणों का भी, सद्गुणों का भी अभिमान होता है, वो भी घातक होता है, स्वयं के विकास को रोक देता है, चेतना के विकास को रोक देता है। तो गुणों का अभिमान भी त्याज्य है। और तीसरा अभिमान हम कहें कर्तृत्व का अभिमान, मैंने कुछ काम किया उसका अभिमान है। मैंने मान लीजिए कोई
अच्छा भवन बनवाया, अच्छा दान का काम किया, मैंने अच्छी पुस्तक लिख दी, मैंने अच्छा वक्तव्य दे दिया। इनका अभिमान कर्तृत्व का अभिमान है, मैंने कुछ किया है उसका अभिमान है, मेरा जैसा किसी ने कुछ संसार में किया नहीं है, मैंने बड़ा अच्छा संगठन खड़ा कर दिया तो उसका अभिमान है, कर्तृत्व का अभिमान है। तो कर्तृत्व का अभिमान भी अभिमान है, गुणों का अभिमान भी अभिमान है, और अनित्य पदार्थों के साथ अपने को जोड़कर जो अभिमान होता है वह भी अभिमान है। इस तरह से हम अभिमान के मान कषाय के तीन रूप मोटे तौर पर देख सकते हैं। पर यह सारा अभिमान विष तुल्य होता है, जहर होता है, मुक्ति की प्राप्ति करने में बाधक बनता है। अगर हमें दुख मुक्त होना है तो अभिमान कषाय का पूर्णतः सफाया करना आवश्यक है। हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि हमारा मान कषाय कैसे पुष्ट हो गया, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। मेरी कोई प्रशंसा करता है तो मुझे बड़ी भाती है, बड़ा अच्छा लगता है, और अगर कोई निंदा करता है तो मुझे उस पर क्रोध आता है। तो या तो व्यक्ति निंदा करेगा या फिर प्रशंसा करेगा। तो निंदा के द्वारा मैं क्रोध करता हूं, निंदा से भी क्रोध कषाय को उद्वेलित करता हूं, और प्रशंसा सुनकर के मान कषाय को उद्वेलित करता हूं। इन दो के अलावा तो कोई क्या करेगा। पर आगम कहता है कि अगर आप साधक हैं, अपने को पूर्ण सुखी बनाना चाहते हैं, तो मान कषाय का पोषण त्यागना पड़ेगा। कहा गया है पूर्णठा जसो कामी मान सम्मान कामय। जो पूजन के यानी अपनी पूजा की आकांक्षा रखते हैं, यश की कामना रखते हैं, मान सम्मान की कामना रखते हैं, बहु पसव ही पावम, बहुत पाप को उत्पन्न करते हैं, उससे पाप पैदा होता है। माया सल्लम चकुब्बई, और माया रूपी कांटे को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जब प्रशंसा का भाव होता है तो व्यक्ति के और कषाय भी उद्वेलित होते हैं, माया का भी आचरण करेगा वो कि ज्यों त्यों करके मेरा नाम कहीं आ जाए, ज्यों त्यों करके लोग मुझे पहचानने लग जाएं, ज्यों त्यों करके मेरा अखबारों में नाम छपने लग जाए, तो मायावी आचरण भी कर सकता है। और हर व्यक्ति में इस तरह की भावना पैदा हो जाती है। चोरी छिपे आती है, उसको खुद को पता नहीं होता। और बड़े बड़े साधकों में भी जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जो राजपाट को यानी अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर चल दिए हैं, मुनिराज बन गए हैं, आर्यिका बन गई हैं, उनमें भी ये मान कषाय की पोषण का तत्व मिल सकता है। वहां भी लोकेष्णा जागती है कि मेरे प्रवचन में अधिक से अधिक लोग आए, मेरे को उच्च सिंहासन पर बिठाया जाए, मेरे को लोग अधिक से अधिक पूछें, मेरा मान सम्मान करें, ऐसी भावना वहां भी होती है। तो मान कषाय पीछा नहीं छोड़ता है जब तक कि साधक इनसे विरक्त नहीं बन जाता है, जब तक कि उसमें अत्यंत मार्दव गुण नहीं आ जाता है, उत्तम मार्दव गुण नहीं आ जाता है, तब तक उसमें इस प्रकार की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। लोकेष्णा की इच्छा समाप्त होना बड़ा कठिन होता है। तीन प्रकार की इच्छाएं कही गई हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र के होने की इच्छा गृहस्थों में हो सकती है, धन की इच्छा गृहस्थों में हो सकती है, पर लोकेष्णा गृहस्थों में भी है और साधु साध्यों में भी है, त्यागी मुनिराजों में भी है। तो इस प्रकार की जो लोकेष्णा है उसमें तो वो तो भीतर से रहती है लोकेष्णा, उसमें बाहर बाहर कोई उसकी वो दिखावे की बात नहीं है, पर उसमें यश की कामना रहती है। लोकेष्णा में यश की इच्छा रहती है। यद्यपि भारतीय परंपरा में यश का बढ़ावा दिया गया है और ये कहा गया है कि जो जो यश युक्त नहीं है, अपयश जिसका हो गया है, उसका तो संसार में रहना भी ठीक नहीं है। तो यशस्वी होना चाहिए व्यक्ति को। जो यशस्वी होता है उसका कई जगह प्रशंसा की गई है। एक ये भी कहा गया है कि जो कवि होते हैं, यशस्वी होते हैं, तो उनका नाम रहता है, अजर अमर हो जाते हैं यशस्वी लोग, उनको पीढ़ियों तक याद किया जाता है। पर ये जो भारतीय परंपरा में इसका पोषण किया गया है, तो वहां ये भी कहा गया है कि जिसकी अकीर्ति है वो मरण से भी बढ़कर है, अपयश हो गया वो मरण से भी बढ़कर है, उसके बजाय उसको मर जाना अच्छा है। संभावित चाकीर्ति मरणादति विच्छेद। जो सम्मानित व्यक्ति है संसार में, वो उसका अगर अपयश होता है तो मरण से भी बढ़कर होता है, और होता है ऐसा अनुभव में आता है। तो अपकीर्ति को कोई नहीं चाहता, ये इसलिए कहा गया है
कि यशस्वी यश को चाहने वाला व्यक्ति कम से कम संसार में बुरा काम तो नहीं करे, बुरे काम को रोकने के लिए यश की अभिलाषा उत्पन्न कर दी गई। लेकिन वो यश भी एक साधक के लिए त्याज्य है। एक नीतिकार ने कहा है, भर्तृहरि ने, द्विपदी धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, अगर किसी को विपदा आ जाती है तो धैर्य में रहे, अगर उसकी उन्नति होती है तो दूसरों के प्रति क्षमाशील रहे, क्षमाशीलता का व्यवहार करे वह। इसी तरह से अगर यश में अगर उसकी अच्छी रुचि होती है, यशस्वी चाभिरुचिर, यश में रुचि होना चाहिए, व्यसनम श्रुतौ, और जो श्रुत है, श्रुत ज्ञान है, शास्त्र का अभ्यास है, उसमें आदत हो जानी चाहिए, व्यसन हो जाना चाहिए, तो शास्त्र पढ़ने में तो एडिक्ट हो जाए, व्यसन उत्पन्न हो जाए, और यश में अभिरुचि हो। इस तरह से यश की बात हमारी भारतीय परंपरा में और भी जगह होगा, यश की बात पैदा की गई। इसलिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे यश मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे सम्मान मिले। लेकिन ये भी एक प्रकार का मोह है, यश की कांक्षा होना मोह है, प्रतिष्ठा की कामना होना ये भी मोह है। मिलती है लेकिन मिलने के लिए आसक्ति होना, मिलने के लिए लालसा होना, ये त्याज्य है। अगर आपने अच्छा किया है तो लोग आपकी सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, जो अच्छा करता है उसको लोग पूछते हैं। पर एक बात इसके साथ भी और हम जोड़ लें कि जब कोई बहुत अच्छा करता है संसार में, लोगों को प्रभावित करता है, तो लोग उसका सम्मान करना चाहते हैं, उसको सम्मान पत्र से विभूषित करना चाहते हैं, यही नहीं उसको सम्मान के रूप में कुछ राशि भी देना चाहते हैं, कुछ पद देना चाहते हैं, कुछ पदवियां उपाधियां देना चाहते हैं, कि लोगों की इस तरह की भावना होती है। लोग तो ये चाहते हैं कि भाई हम सद्गुणों का सम्मान करें, किसी ने अच्छा काम किया तो उसका सम्मान करें, किसी में बहुत अच्छे गुण है तो उसका सम्मान करें। ये सम्मान इसलिए किया जाता है कि लोगों में प्रेरणा मिले कि वो भी इस प्रकार सद्गुण को बढ़ाएं, वो भी सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, इसके लिए सम्मानित किया जाता है। पर जो सम्मानित हो रहा है वो समझता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, मुझ में इतनी विशेषताएं हैं, मुझे देखो कितने लोग पूछ रहे हैं, कितना सम्मान मिल रहा है, तो वो चला जाता गर्त में, गलत रास्ते पर चला जाता है, वो अपना पतन निश्चित रूप से कर बैठता है। पर वो ये समझे कि लोग कितने उदार हैं, कितने मेरे प्रति कितना प्रेम रखते हैं और कितने उदार चेता हैं कि मेरा सम्मान कर रहे हैं, पर मेरे में जो विशेषता है उनका सम्मान कर रहे हैं, मुझे उससे अभिमान नहीं होना चाहिए। उनका लक्ष्य यह है कि अगर उनको कोई बात अच्छी दिखाई पड़ी तो लोगों में उस प्रकार की वृद्धि हो, लोग उसको प्रेरणा लेकर के और उससे अपना जीवन अच्छा बनाए, ये वहां प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लेकिन होता यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति भी जो बराबर चीजों को ठीक से नहीं समझते हैं, अभिमान करने लग जाते हैं और अपने को बड़ा समझने लग जाते हैं कि मैं देखो मेरा सम्मान हुआ है, देखो लोग मुझे कितना महत्व दे रहे हैं, उस महत्व से अपने को बड़ा समझना अभिमान को ही पुष्ट करना है, तो ये सम्मान भी व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। इसी तरह से प्रशंसा की बात भी है, प्रशंसा करते हम बच्चों की प्रशंसा करते हैं, बड़ों की भी करते हैं, बच्चों की प्रशंसा भी इसलिए करते हैं कि उनमें वो अच्छाई बढ़े, इसके लिए प्रशंसा करते हैं, रिकग्निशन मिलना चाहिए। अगर हम बुराई और उसकी अच्छाई में भेद नहीं करेंगे तो समझेगा कि कोई अच्छा बुरा कुछ भेद ही नहीं होता है, तो वो बुराइयों को सीखने लग जाएगा। पर जब अच्छाई को हम प्रशंसा करेंगे तो अच्छाई की ओर उन्मुख होगा, तो प्रशंसा व्यक्ति को प्रेरित भी करती है, अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है, पर एक सीमा तक वो उचित है। पर अधिक प्रशंसा भी घातक बन जाती है, अधिक प्रशंसा फिर उसके लिए जहर का काम करती है, उसको फिर वास्तविकता समझ में आ जानी चाहिए कि प्रशंसा करने का ध्येय क्या है। और बहुत बड़ी आशाएं करने लगते प्रशंसा कर करके कि अब ऐसा कर देगा बच्चा, ऐसा कर देगा, पर वो बहुत ही निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, कभी आत्महत्या के लिए उतारू हो जाता है। दूसरी बात यह है, किसी समूह में जब हम एक की प्रशंसा करते हैं, मान लीजिए तीन बच्चे बच्ची हैं परिवार में, एक की प्रशंसा की, दो और सुन रहे हैं उस प्रशंसा को, उनमें कभी प्रेरणा मिल सकती है, पर बार बार एक की प्रशंसा करेंगे, दो की नहीं करेंगे, तो उनमें दीनता का भाव आ जाएगा, वो अपने को इन्फीरियर समझने लगेंगे, और इन्फीरियरिटी अगर उनमें आती है तो वह उनके लिए घातक सिद्ध होगी। पर यहाँ एक बात समझने की है कि जो दीनता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक प्रकार का अभिमान का ही रूप है। वो अपने को मूल्यांकन तो बाहरी वस्तुओं और बाहरी कथनों के आधार पर कर रहा है,
तो बाहरी कथन बाहरी वस्तुएं इनके आधार पर जो मूल्यांकन होता है तो दीनता भी हो सकती है, अभिमान भी हो सकता है। कई लोग कहते हो आप तो बहुत बढ़िया बोलते हो, आप बहुत बड़े आदमी हो, तो इसका मतलब वो दीनता का अनुभव कर रहा है। तो दीनता का होना भी अभिमान का एक रूप है, वो भी जैसे टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर हो अधिक टेम्परेचर हो दोनों टेम्परेचर ही है, ऐसी दोनों दोष है। उसमें बहुत अच्छा मान लीजिए कोई अच्छा खिलाड़ी है और एक बार वो हार जाता है और उसके साथ में उसमें दीनता की बात आ जाए कि अरे उससे तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी अच्छा खेला और मैं तो अच्छा नहीं खेल सकता, अगर इस तरह से डिप्रेशन का अभाव आ जाता है, दीनता का अभाव आ जाता है, तो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो दीनता भी अभिमान का नेगेटिव रूप है, अभिमान का ही रूप है, लेकिन वो लॉ अलग नीचे रूप में है और वो थोड़ा उच्च रूप में जो अच्छा लगता है और दीनता अच्छी नहीं लगती है। तो दोनों ही अभिमान के रूप हैं, दोनों ही मद के रूप हो सकते हैं, अभिमान के रूप हो सकते हैं। तो दीनता भी त्याज्य है, अभिमान भी त्याज्य है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसमें दीनता का अनुभव हो रहा है वही कदाचित अभिमान का अनुभव कर सकता है, उसके पास वो इच्छाएं पूरी होने पर उसको अभिमान हो जाएगा। और जिसको अभिमान है कदाचित कोई उसमें घाटा नहीं उसमें कमी आ जाती है तो उसको दीनता का अनुभव होने लगता है। तो ये अनुभव क्योंकि बाह्य आधार पर मूल्यांकन हो रहा है तो इस प्रकार का अनुभव होना शक्य है, संभव है। तो हम जो बाहरी वस्तुओं के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं वो मूल्यांकन उचित नहीं है, चाहे वो देह के आधार पर करें। आठ मद में चार तो देह से संबंधित ही है, जिसमें जाति कुल बल और रूप ये तो देह से संबंधित ही है। रूप का अभिमान हो जाता है, जाति का देह में बहुत अच्छी जाति का हूं सवर्ण हूं, और किसी को दीनता का अनुभव होता है मैं तो एससी एसटी का हूं तो उसको दीनता का अनुभव होता है और वो उसके मन में विरोध जाग जाता है सवर्ण जाति वाले व्यक्ति के प्रति कि इन्होंने हमको पीड़ा दी है और उसके मन में द्वेष जाग जाता है। तो वहां भी दीनता का भाव हो रहा है या अभिमान का भाव हो तो वहां दीनता भी त्याज्य ही है, अपने को हीन क्यों समझा जाए। इसलिए आगम ये कहता है नो हीणे नो अरित्ते, न तो कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त है बढ़कर के है, सभी मनुष्य हैं और सब में समान पात्रता हो सकती, कम भी अधिक भी हो लेकिन वो समान अपने को समझेगा तो अपनी पात्रता का विकास कर सकता है। विकास का माध्यम अभिमान करना नहीं है, अभिमान पर काबू पाना है। विनयशीलता विकास कराती है, मार्दव गुण विकास कराता है। आत्मा में अगर मार्दव गुण है तो फिर वो अभिमान को त्याज्य समझेगा, अभिमान नहीं कर पाएगा। तो जो अभिमान को त्यागता है वो अपनी पूजा प्रतिष्ठा में आकर्षित नहीं होता, मान सम्मान की कामना से रहित हो जाता है। मान सम्मान की कामना तो निश्चित रूप से त्याज्य है। जैसे सत्कार पुरस्कार एक परिषद कहा गया साधु संतों के लिए, मंदिराजों के लिए 22 परिषद में, तो ये परिषद है, सत्कार कोई कर रहा है सम्मान कर रहा है, ये परिषद माना गया है, ये परिषद माना गया है क्योंकि उसमें समता में रहना है। वो डिगा सकता है साधना से, साधना की जो एक एकाग्रता है, साधना की जो एक पवित्रता है, उस पवित्रता में टोटा लग जाता है, खोट आ जाती है, क्योंकि दिशा दूसरी हो गई, मान सम्मान पाने की दिशा हो गई। तो जो दुख मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, निष्कषाय होने के मार्ग पर चल रहे हैं, वो कषाय का पोषण करने लग जाते हैं, तो ध्येय बदल गया, भटकाव हो गया। ये भटकाव त्याज्य है क्योंकि अटकाने वाला है, ये अच्छा लगता है, कोई मान मेरी प्रशंसा करता है, मेरे सम्मान देता है, मेरे बहुत भक्तों की संख्या है तो कदाचित मुझे उसका अभिमान हो सकता है। तो अभिषेक एक साधु के लिए भी और गृहस्थ भी अगर उसका जितना त्याग कर सके बहुत अच्छा है, क्योंकि अभिमान का त्याग व्यक्ति को एक ऊंचाई पर ले जाता है, वो अटकता नहीं है बीच में, नहीं तो मैं धन में अटक जाऊंगा, रूप के कारण अटक जाऊंगा, लाभ के कारण अटक जाऊंगा, ईश्वर के कारण अटक जाऊंगा, ये अटकाने वाली चीजें, संसार भटकाने वाली चीजें। तो अगर इनमें नहीं अटकना है तो मान कषाय पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जो मैंने तीन प्रकार बताए आपको अभिमान के, एक बताया है इन वस्तुओं के आधार पर, देह आदि के आधार पर हम अभिमान कर लेते हैं, तो अभिमान का क्या होता है, एक उदाहरण मुझे इतिहास का ध्यान में आ रहा है, सनत कुमार चक्रवर्ती का। सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए कहा जाता है कि बहुत रूपवान थे, बहुत सुंदर थे, देवता भी उनके रूप सौंदर्य से प्रभावित थे,
देवता उनको देखने आते हैं और देवता प्रशंसा करते हैं कि आप कितने सुंदर हैं, कितने रूपवान हैं, उनको उसका अभिमान हो जाता है और कहते हैं कल मैं जब राज्यसभा में बैठूं, राज्य सिंहासन पर बैठूं, तब देखिएगा आप अभी क्या रूप देख रहे हो, यानी मैं और सुंदर लगूंगा। ये बात उन्होंने कही, अभिमान हो गया अपने रूप का। दूसरे दिन फिर देव आए और दूसरे दिन देखते हैं कि उनके तो कफ में जीव पड़ गए हैं, मुंह में जीव पड़ गए हैं और रूप सौंदर्य उनका निस्तेज हो गया है। कि अभिमान का सुपरिणाम दुष्परिणाम उनको उसी समय देखना पड़ा दूसरे दिन। तो ये अभिमान अगर देह आदि का होता है तो वह भी घातक है। कोई अच्छा खिलाड़ी है, उसको अगर अपने उस पर अभिमान हो जाता है कि मेरा जैसा बॉडी बिल्डर नहीं है कोई दूसरा, तो वो जीतना मुश्किल हो जाता है उसका। उसको तो लक्ष्य पूर्वक काम करना है कि उसको कैसे कुलाठी दे सकता हूँ, कैसे पहलवानी दिखा सकता हूँ। अगर इस पर दृष्टि रही तब तो वो जीत सकता है, और केवल बॉडी बिल्डर बनने का अभिमान हो जाएगा तो उसको जीतना मुश्किल है। ऐसे ही जो दूसरा भेद बताया गया, गुणों का अभिमान। बाहुबली को अपने गुणों पर अभिमान हो गया तपस्या पर कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, सारे बाहर जो है झाड़ झंकाड़ आ गए तब भी मैं तप में खड़ा हूं और कोई आहार नहीं और एकाग्र ध्यान में खड़ा हूं, उसका अभिमान उनको हो गया। अभिमान ये था कि मैं भरत के सामने कैसे झुक सकता हूँ, भरत के अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, तो ध्यान में खड़े हैं पर उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। जब उनकी दो बहनें आती हैं ब्राह्मी और सुंदरी, तो ध्यान दिलाते हैं कि आप तो हाथी के ओधे पर बैठे हो, गज थे के नीचे उतरो, यानी गज से नीचे उतरो, उस अभिमान के हाथी से नीचे उतरोगे। ये बात उन्होंने जब सुनी अपनी बहनों से और वो समझ गए कि ये अभिमान अभी मेरा गया नहीं है, अभिमान के जाते उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर वो केवल ज्ञान के योग्य बन गए। तो ये अभिमान चाहे किसी को भी हो, कितना भी साधना में रचपच रहा हो, लेकिन अगर अभिमान नहीं गया है तो मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल ज्ञान बाधक बन जाता है। ऐसे कर्तृत्व के अभिमान की बात करें तो एक उदाहरण मैं आपको बतलाता हूँ। इसमें एक नंद मणियार था, मणिकार था, वह पैसे वाला था और उसने जनहित में कार्य करवाए, सरोवर सरोवर बावड़ियां उद्यान आदि लगवाए, खूब बनवाए उसने, पर बावड़ी के प्रति उसकी एक बहुत ही सुंदर बावड़ी बनवाई, उसके प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है, लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं तो प्रशंसा का अभिमान हो जाता है और बावड़ी के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस बावड़ी में मेंढक बन जाता है। अब कहां तो उसने अच्छा काम किया लेकिन वो अभिमान ले डूबा और वो मेंढक बन गया। तो इस तरह से नीच गति में जाता है व्यक्ति, ये कहा गया है आगम में और तत्वार्थ सूत्र में भी कि जो अभिमान करता है, मद करता है, अभिमान करता है, वो नीच गति में जाता है, नीच गति का बंधन कर लेता है, नीच गोत्र का बंध करता है। और जो अभिमान नहीं करता वह उच्च गोत्र का बंध करता है। तो जो अभिमान करता है, चाहे वो आठ प्रकार के जो मद कहे उनका अभिमान करता हो तो नीच गोत्र का बंध करेगा, और जो अभिमान नहीं करता वो उच्च गोत्र का बंध करेगा। तो हमको नीच गोत्र का भी बंधन करना है या उच्च गोत्र का करना है, ये हम पर निर्भर करता है कि हमको जाना कहाँ है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनिक सड़कों पर आ जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, हालत खराब हो जाती है, ये संसार में सब होता रहता है। बहुत ऐश्वर्यशाली था और उस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में भी उनका सब सफाया हो जाता है, कभी उस पीढ़ी में भी हो जाता है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन जीने की जरूरत है, मार्दव गुण को अपनाने की जरूरत है, मृदुता के साथ रहो, कोमलता के साथ रहो, विनयशीलता के साथ रहो, तो हम मान कषाय को जीत सकते हैं, तब मान हमारे पर हावी नहीं होगा। और जितने गुणवान पुरुष हैं उन गुणवान पुरुषों के गुण देखने की एक हम वृत्ति बना लें, गुणवान पुरुषों में गुण देखेंगे तो हमको उनको देख करके उनके गुणों की स्थिति करके गुण ही आएंगे, अगर हम दोष देखेंगे तो हमारे में दोष ही आएंगे। ये मनोविज्ञान है, हम किसमें क्या देखते हैं, अगर हमने दोष देखना प्रारंभ कर दिया, दोष दृष्टि बना ली, तो हमारे में दोष प्रवेश करने वाले हैं।
हमने गुण दृष्टि बना ली तो हमारे में गुण प्रवेश करने वाले हैं। तो हम वास्तव में क्या चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, अपने में सद्गुणों के का सिंचन करना चाहते हैं या दोषों का सिंचन करना चाहते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। देखिए हमारा नाम रखा गया, काल्पनिक नाम रखा गया, हमने तो नहीं रखा, माता पिता ने नाम रखा, उसका ही उनको अभिमान हो जाता है। मेरा नाम हो रहा है धर्मचंद, मोहनमल, कुछ भी नाम, राजेंद्र, महेंद्र, अपने नाम के साथ आत्म। वैसे तो सैकड़ों लोग हैं संसार में, हजारों भी हो सकते हैं उस नामधारी, लेकिन मुझे उसके साथ इतनी आत्मीयता हो जाती नाम के साथ में कि मैं समझता हूँ ये मेरा ही नाम है और अभिमान कर बैठता हूँ। जन्म दूसरों ने दिया है, नाम दूसरों ने रखा है, पालन पोषण दूसरों ने किया है, शिक्षा दूसरों ने दी है, विद्यालयों में शिक्षकों ने दी है, और अभिमान मैं करता हूँ। मैंने क्या किया है, बहुत कुछ तो संसार ने दिया है मुझे, मैंने तो बहुत अल्प किया है, फिर काय के कर्तृत्व का अभिमान। पर बहुत मुश्किल है कर्तृत्व के अभिमान से छुटकारा पाना, बहुत कठिन है। मैंने किया, ये हर व्यक्ति में इस तरह की भावना आ जाती है, मैंने अच्छा किया लोग पूछते ही नहीं है, लोगों में समझ ही नहीं है, अच्छी अच्छाई को देखना ही नहीं जानते, लोगों का स्तर नहीं है अच्छाई को समझने का, इस तरह के विचार आ जाते हैं और इस तरह के विचार उसको निम्नता की ओर ले जाते हैं, नीच गति की ओर ले जाते हैं। तो कर्तृत्व का अभिमान, देखिए अगर हम पूरे भारतीय परंपरा पर दृष्टिपात करें तो कर्तृत्व के अभिमान को जीतने के लिए कई सारे उपाय हो सकते हैं। तो एक उपाय, एक नियतिवाद स्वीकार किया गया जो गौशाला का मत माना जाता है, और कुछ हमारे में भी उसके तत्व मौजूद हैं, जैन धर्म में भी मौजूद हैं कुछ तत्व। तो नियतिवाद क्या कहता है कि जब जो होना है तब होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे होना है जब होना है और इस प्रकार से होना है, वो सब उस तरह से वहाँ वहाँ वैसा वैसा होना है, तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो वह कर्तृत्व को कदाचित थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। एक ईश्वरवादी है जो सब काम ईश्वर को सौंप देते हैं कि भाई ईश्वर की रचना है, ईश्वर ही करवाता है, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अपने कर्तृत्व पर वो भी विजय कुछ कुछ अंशों में पा सकता है। लेकिन जब हम दृष्टिपात करते हैं तो नियतिवादी जो गोशालक है उसका भी अभिमान दूर नहीं हुआ, और जो ईश्वरवादी है उनमें भी अभिमान दिखाई पड़ता है। जब कोई अच्छाई करते हैं तो अपना अभिमान करने लगते हैं, जब कोई कष्ट आता है तो ईश्वर को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, तो अभिमान फिर भी नहीं गया। जैन धर्म में जो पुरुषार्थवादी धर्म है, जिसमें यह कहा जाता है कि अपना ही सुख दुख का कर्ता आत्मा स्वयं है, अपने को अच्छा बुरा बनाने वाला आत्मा स्वयं है, तो वह आत्मा के कर्तृत्व को महत्व दिया गया। व्यवहार नहीं की दृष्टि से माने भले ही, पर माना जाता है निश्चय नहीं, तो कोई कर्ता नहीं होता है, वो सिद्धों की दृष्टि से कहा गया, शुद्ध आत्मा की दृष्टि से कहा गया है। पर जो हम व्यवहार में जीवन जी रहे हैं, जिसमें हमारे कषाय भी हैं और हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं, तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कर्म हमने बांधे हैं, हम ही इनसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है। अगर हम ये माने ही नहीं कि मैं ये कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ, ये बस ये स्वीकार करें कि कर्म से बंधा हुआ नहीं, तो फिर तुम मुक्ति समझें अपने आप को, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर साधना की जरूरत नहीं है, और इस देह में भी कर्मों से लिप्त होते हुए भी मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं तो मुक्त हूँ, तो फिर कर्मों से के बंधन को काटेगा कौन। तो कर्तृत्व वहां पर आ जाता है जब ये कहा जाता है कि भाई आत्मा ही सुख दुख का कर्ता भोगता है, तो उसका मतलब कर्तृत्व है, तो कर्तृत्व कैसे छूटे, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जैन दर्शन में। तो इसलिए निश्चय नहीं में ये कहा गया कि आत्मा करता ही नहीं है, वहां से मूल से उठाने की हटाने की कोशिश की गई है कि वास्तव में करता नहीं होता। पर अगर हमने किया भी है, व्यवहार नहीं से अगर हम ऐसा स्वीकार करते हैं, तो जो हमने किया है जो उसका अभिमान हम छोड़ सकते हैं। एक तो यह है कि अगर अभिमान करूंगा तो मैं नीच गोत्र में जाऊंगा, नीच गोत्र का बंद करूंगा, एक हेतु। दूसरा हेतु कि मैं अपना मूल्यांकन, अपना आत्मनिरीक्षण करूंगा कि मेरे में इससे कषाय तो पैदा नहीं हो रहा है, मैं बाह्य वस्तुओं के साथ ही तो कर्तृत्व तो जोड़ता हूं, मैंने पुस्तक कितनी सुंदर लिखी है, बाह्य कर्तृत्व, मैंने बिल्डिंग कितनी बढ़िया बनवाई है या बनाई है,
कर्तृत्व का अभिमान। मैंने लोगों के लिए कितना उपकार का काम किया है, कितना सेवा का काम किया है, ये भी कर्तृत्व है। तो कर्तृत्व का जहां अभिमान हो रहा है, तो आत्मनिरीक्षण करना, जब साधक आत्मनिरीक्षण करता है तो वो देख लेता है ये मैं अभिमान कर रहा हूं, ये अभिमान त्याज्य, तो आत्मनिरीक्षण भी उसका साधन बनता है। और तीसरा मार्दव गुण साधन बनता है, विनयशील रहो, कुछ नहीं ये सब मिला हुआ था उसका मैंने उपयोग किया है, मैंने क्या किया, शरीर मिला उसका उपयोग किया, धन संपदा मिली उसका उपयोग किया, केवल उपयोग किया है, मेरे काम नहीं आ रहा था लोगों में लगा दिया। तो उपयोग करने का काय का अभिमान, मेरी गंदगी साफ करने का काय का अभिमान, इस तरह की दृष्टि अगर रखता है तो उसको कोई अभिमान नहीं होगा। और चौथा उपाय है समता में रहना, जब अभिमान के क्षण आए तो समता में रहें, जैसे है ना लाभ और अलाभ की स्थिति में, मान और अपमान की स्थिति में, समो निंदा प्रशंसायु समो मानव मानव, जो निंदा प्रशंसा में सम रहता है और जो मान अपमान में सम रहता है वो मान कषाय को जीत सकता है। तो इस तरह से चार उपाय ये कर्तृत्व के अभिमान से भी हमको दूर कर सकते हैं। पहला तो उनके साथ अनित्य संबंध है, मेरा नित्य संबंध नहीं है, माना हुआ संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है, और ये नीच गोत्र का बंध कराने वाला है। और पांच हम कह सकते हैं, पांच बिंदु हो गए, नीच गोत्र का बंध कराने वाला ये दूसरा मान लीजिएगा, अनित्य संबंध ये पहला, दूसरा नीच गोत्र का बंध कराने वाला है दूसरा, और तीसरा मार्दव गुण के को अपना करके मैं कषाय रहित हो सकता हूँ, मान कषाय रहित हो सकता हूँ, और चौथा समता में रह करके समत्व का मैं अगर पालन करता हूँ तो उससे भी मैं मान कषाय से रहित हो सकता हूँ, और मार्दव गुण के द्वारा मैं मान कषाय से रहित हो सकता हूँ, हो सकता कोई छूट गया हो। तो मान कषाय से दूर होने के लिए, कर्तृत्व के अभिमान से दूर होने के लिए हमारे यहाँ शिक्षाएं दी गई हैं, पर हम उन पर ध्यान नहीं देते, पालन नहीं करते और उसको पुष्ट करने में लगे रहते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति में भी ये बात देखी जाती है, यद्यपि वो विनम्रता के कारण ही बड़ा बनता है, पर कदाचित ये दोष प्रवेश कर जाए तो उसको हम कह सकते हैं जैसे दूध में कोई विष मिला दिया हो, तो सद्गुणों में अभिमान का विष अगर मिला दिया तो और दूसरे सद्गुण भी नष्ट होने लगते हैं, दूसरे सद्गुण भी बुराई में परिणत हो सकते हैं। वो हर काम अपनी मान प्रशंसा के लिए करेगा, अच्छा काम भी मान प्रशंसा के लिए करेगा, फिर उसकी तारीफ दूसरा नहीं करता तो खुद करने लगेगा और दूसरा करता है तो फूल के कुप्पा हो जाएगा। तो ये इस तरह से अभिमान हमको डुबा देता है, लूट लेता है हमारी संपत्ति को, हमारी आत्मिक गुणों की संपत्ति को, उस पर काबू पाने की जरूरत है। प्रशंसा से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, निंदा से भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं, इसलिए का समो निंदा प्रशंसा से, निंदा और प्रशंसा में जो सम रहता है, मान और अपमान में सम रहता है, अपमान किसी को पसंद नहीं है। अगर पांच व्यक्तियों के बीच में मेरा अपमान होगा तो मैं उसके साथ वैर बांध लेता हूँ, शत्रुता बांध लेता हूँ और सोचता हूँ इसको मौका आने पर मजा चखाऊंगा, इस तरह की भावना हमारे मन में आ जाती है। लेकिन एक अच्छा साधक इन सब में मौन धारण कर लेता है, अपने आप को जागरूक रखता है। तो एक जागरूकता भी उपाय है, सजगता आत्मनिरीक्षण एक उपाय है। तो आत्मनिरीक्षण जो करता है वह अपने दोषों से रहित हो सकता है, जागरूक जो है वह दोषों से रहित हो सकता है, विनयशीलता को बढ़ा करके इन दोषों से रहित हो सकता है। तो मान कषाय पर विजय पाने में केवल मार्दव गुण नहीं, मार्दव गुण भी एक सहायक है लेकिन उसके साथ दूसरे भी गुण काम कर सकते हैं, दूसरी भी विशेषताएं काम कर सकती हैं। तो इन विशेषताओं को अगर आप कोई अपनाता है तो वह मान कषाय से दूर हो सकता है। एक बात और, एक स्वाभिमान शब्द का प्रयोग होता है और एक अभिमान शब्द का प्रयोग होता है। लोग स्वाभिमान को अच्छा मानते हैं और अभिमान को बुरा मानते हैं, बात सही है। स्वाभिमानी व्यक्ति सदाचारी होता है, नैतिक होता है, दूसरों को लूटने की नहीं सोचता, उसका स्वाभिमान उसको सही रास्ते पर चलाता है और दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता दीनता की, वो स्वाभिमान के साथ आत्मविश्वास के साथ जीता है। अपने अभिमान को पुष्ट करने से भी थोड़ा बचता लेकिन दीनता का भाव वो नहीं लाता,
पर कदाचित उसमें भी गुण का अभिमान पैदा हो जाता कि मैं स्वाभिमानी हूं, मैं दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं, मैं दूसरों से नैतिक अधिक हूं, मैं सदाचारी हूं, ऐसा अभिमान उसमें भी पैदा हो सकता है। पर सदाचार फिर भी अभिमान से बेटर है, इसलिए कि स्वाभिमानी व्यक्ति मायाचार नहीं करता, स्वाभिमानी व्यक्ति अन्याय अत्याचार के मार्ग से कुछ प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रखता, पर मानी व्यक्ति तो माया करके भी अपनी बात पूरी करना चाहता है। वो अत्याचार भी कर सकता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकता है, स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति होना, स्वाभिमान होना उससे अच्छा है, पर और ऊंचाई पर जाना हो तो स्वाभिमान से भी वह ऊंचा उठ जाता है, पर यह जरूर मानता है कि मेरा मूल स्वरूप जो है वह सद्गुणी होना है, मेरा मूल स्वरूप जो है आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण की अभिव्यक्ति करना है, मेरा मूल जो अगर मेरी उन्नति होगी तो मुझे चारित्र को ऊंचा करना है और उसके लिए मुझे तपस्या आदि को अपनाना है, मेरे में जो कोई दोष है रोज दोषों का अवलोकन करेगा और दोषों को दूर करने के लिए कोशिश करेगा, तो ऐसा साधक अपनी आत्मशुद्धि निश्चित रूप से कर लेगा। तो आज का जो दूसरा दिन है मार्दव गुण का दिन है, वो मान कषाय पर विजय का दिन है। रावण को कितना अभिमान था, पंडित था, लेकिन अपने धन संपदा पर बड़ा अभिमान था, अपने बल पर अभिमान था और अपनी जो सेना थी फौज थी उस पर अभिमान था, लेकिन उसका अभिमान उसी को ले बैठा। रामचंद्र जी के पास कुछ नहीं था, पर उन्होंने जो युक्ति से युद्ध किया उससे वो रावण पराजित हो गया। तो अभिमान तो सब जगह घातक है, चाहे वो कंस को हुआ हो तो भी घातक है, जरासंध को हुआ हो तो भी घातक बना, किसी को भी अभिमान होगा तो अभिमान दूसरे व्यक्तियों की नजरों में गिरा देता है उस व्यक्ति को, अभिमानी व्यक्ति को, अभिमानी व्यक्ति दूसरों की नजर में गिर जाता है। वो अगर सेवा का काम करता है, वो लोगों का पोषण करता है, उदारतापूर्वक दान देता है तो ये लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसको गिनाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए एक पुत्र जो है, दो पुत्र हैं किसी पिता माता के, तो एक पुत्र सेवा करता है पर सेवा करने के साथ उनको गिनाता रहता है, देखो दूसरे ने तुम्हारे ध्यान दिया वो कुछ कर रहा है, मैं तुम्हारे आपके लिए जो है वो कितना त्याग करता हूं और आपके अगर देखभाल मैं नहीं करूं तो क्या हुआ आपका, आप कितना बढ़िया भोजन कराया, आप वस्त्रों की व्यवस्था कर, अगर गिनाने लगे तो वो सेवा खत्म, दोष बन जाएगा तो उनका सभी जागृत हो जाएगा, माता पिता का हाथ जोड़ हम तो अपने अकेले निर्वाह कर लेंगे, तेरे साथ रहने की हमारी कोई नहीं है। तो हम दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अगर उनके साथ में व्यवहार करते हैं तो वो अच्छा व्यवहार है, पर अभिमान को पुष्ट करके और दूसरों को गिनाते रहते हैं तो परिवार के लिए समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। हम किसी की सेवा करके बार बार उसको गिनाएं तो वह पचता नहीं, वो पच नहीं सकता, क्योंकि वो गुण नहीं दोष बन गया, उसमें जहर आ गया है। तो मान कषाय जहर है, मीठा जहर है, हमको लगता अच्छा है, अनुकूल लगता है, तो प्रशंसा करे तो बड़ी अच्छी लगती है और निंदा एकदम घातक लगती है। तो ये जो मीठा जहर है, इस मीठे जहर से अगर दूर होना है तो मान कषाय पर हमको विजय पानी होती है। कहा तो असल में यह है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि हमारे लाखों का मूल्य है। बड़ा व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं करता, पर जो तुच्छ दिल के होते हैं, जो अल्प में ही अपने को बड़ा मान लेते हैं, तो वह इस तरह अपनी बड़ाई करने में लग जाते हैं। पर आज के युग में ये देखा जा रहा है, पुराने जमाने में और आज में बहुत फर्क हो गया। पुराने जमाने में तो कोई रचना करता था, कवि आचार्य जिन्होंने रचनाएं की, कई शास्त्र लिखे, कई ग्रंथ लिखे, उसमें अपना नाम का उल्लेख ही नहीं किया, बस रचना कर दी। आज हमारे लिए उसकी समस्या होती है कि किसने रचना की, चाहे वो संस्कृत साहित्य में हो, चाहे वो प्राकृत साहित्य में हो, आगमों में हो या टीकाओं में हो, या टीकाओं में छोड़ दूसरे जो ग्रंथ बने हैं उनमें हो, तो ये समस्या हो जाती कि रचना किसकी है। हम निर्धारित तो करते हैं पर वो अपना नाम का ही उल्लेख नहीं करते,
उनको कितना नाम से बचाव था, और आज स्थिति यह हो गई पेटेंट का युग आ गया, थोड़ा भी कुछ नया किया है और ये भाई पेटेंट लो। वो नाम के नाम का उन्मुखीकरण ज्यादा हो गया, और इसके पीछे जो पाश्चात्य देश हैं वो उनकी वृत्ति ऐसी रही और वो उसका प्रभाव अब भारत पर भी आ गया। अब नाम के अनुसार सारा चलता है, किसके नाम कितने पेटेंट थी, अरे भाई कर दिया हमने तो इसका क्या अभिमान करना, करो अभिमान पोषण की बात उसमें होती, किसका है, किसने किया, भाई दूसरा श्रेय नहीं ले ली, इसके लिए इसको प्रारंभ किया गया, श्रेय जिसका है उसका रहे, लेकिन उससे अभिमान पुष्ट होता है। आज ये भी बात है कि लोग अपने बारे में अगर नहीं बताएंगे तो दूसरे कैसे जानेंगे उनको, इसलिए बताना जरूरी है। कोई इंटरव्यू लेने गया, इंटरव्यू देने गया कहीं, साक्षात्कार देने गया और उसको नौकरी चाहिए, अपने बारे में नहीं बताएगा तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसको अपने बारे में बताना पड़ेगा। पर अपने बारे में ढींग ना हाके, हकीकत जितनी है उतना अगर बता दे तो कदाचित वो अभिमान से बच सकता है। पर लोग अपने बारे में ढींगे भी हाँकते रहते हैं, झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, और झूठी प्रशंसा सुनना भी अच्छा लगता है। हकीकत से दूर अगर कोई प्रशंसा करता है, चाहे वो मेरे में गुण नहीं है, पर कोई प्रशंसा करता है तो वो भी मीठी लगती है, अच्छी लगती है। गुण नहीं है वैसी विशेषता नहीं, और वो कहे जा रहा है अरे भाई कोई बात नहीं प्रशंसा, वो तो मेरा हितेशी है, उसको हितेशी समझते हैं, हितेशी है कि नहीं पता नहीं, पर वो हानि कर रहा है मान कषाय को बढ़ा करके। तो हमारे जो साथी हैं जो हमारा हित चाहते हैं उनसे भी हमारा अहित हो जाता है। पर वास्तविकता का कथन करें तो वो ठीक है, क्योंकि किसी के गुणों को देखना उनकी दृष्टि में हो तो उसका उचित कथन करना उनके लिए श्रेयस्कर है जो गुणों को देख रहे हैं, पर उससे जो अभिमान कर रहा है उसके लिए वो हानिकारक है। इसलिए ऐसी अवस्था में भी बचना चाहिए, स्वयं को जागरूक रहने की जरूरत है कि जितना कोई जागरूक रहेगा उतना ही वो अभिमान से बचेगा, मान कषाय से बचेगा। तो ये जो बाह्य वस्तुएं हैं, चाहे वो शरीर, पहला हमको जो शरीर का अभिमान होता है जिसको देहाभिमान कह सकते हैं, शरीर का अभिमान हो जाता है कि मैं देखो कितना रूपवान हूँ, मैं देखो कितना बॉडी बिल्डर हूँ, मुझमें कितना बल है, या बल कम है तो भी उसका दीनता हो जाती है, और मैं कितना कुरूप हूँ कैसे जाऊं, देखो मेरे तो कपड़े ही गंदे हैं, देखो मेरे तो साधन ही नहीं है घर में, कैसे मैं किसी व्यक्ति के को बुला सकता हूँ घर में, दीनता का अनुभव होता है। निर्धन को भी दीनता का अनुभव होता है तो वो भी अभिमानी है, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो भी तो चाहता है यश को, यश की अभिलाषा होती है, दूसरों से अच्छा कहलाने की अभिलाषा होती है, तो वह दीन ही है, वो दूसरों से कुछ चाहता है, और दूसरों से कुछ चाहना दोष है। अपना मूल्यांकन स्वयं इस तरह से करे कि भाई नहीं, मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, आंतरिक योग्यता बढ़ानी है। बाह्य वस्तुओं के आधार पर मूल्यांकन का ट्रेंड बढ़ गया है, लोग उसी को देखते हैं और उसी से उसको बड़ा आदमी समझते हैं, किसका कितना नाम है, किसने कितनी उपाधियां धारण कर ली है, उसी से हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का जो ये तरीका है ये अहंकार को पोषित करने का तरीका है, पर हम अगर उसकी आत्मा को तो कोई देख नहीं पाता, आत्मगुणों को भी कोई देख नहीं पाता, बाहर कोई देख करके हम किसी तपस्वी की बड़ी प्रशंसा कर देते हैं, पर आगमों में ऐसा आया है कि बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, लाखों मांस खमण करने वाले, उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। जब तक मान कषाय नहीं छूटेगा तो वो तपस्या ज्ञान तपस्या ही है, ज्ञान हो जाने पर तो कर्म निर्जरा खूब अधिक होती है, तेजी से होती है ज्ञानी की कर्म निर्जरा, और अज्ञानी का तो कहना ही कि अज्ञानी तो कर्म बढ़ाता रहता है। मान कषाय को भी चार प्रकार का कहा जा सकता है, कहा ही गया है अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, चार प्रकार का। जो मिथ्यात्मी जीव हैं उनके तो अनंतानुबंधी मान कषाय रहता है, जो सम्यक भी हो गए पर अभी जो त्यागी नहीं बने हैं, श्रावक भी नहीं बने हैं, उनके अप्रत्यक्षानावरण कषाय भी रहता है, अप्रत्यक्षानावरण कषाय और तीन कषाय शेष रहते हैं, अनंतानुबंधी छूट जाए। और जो श्रावक बन गए हैं, साधु नहीं बने हैं, उनके प्रत्यक्षानावरण मान कषाय भी रहेगा, और नवे गुणस्थान तक रहता है ये कषाय। दसवें गुणस्थान में उदय में फिर ये मान कषाय नहीं रहता,
संज्वलन कषाय नवे गुण स्थान तक रहता है। संज्वलन बहुत हल्का बहुत अल्प कषाय रहता है, पर ये मान कषाय वहां भी रहता है। ये देखिएगा आप, बोले भारी नहीं हो पर थोड़ा थोड़ा तो अस्तित्व बना रहता है। जब कोई उसके प्रति आसक्त होने लगेगा, मान कषाय को महत्व देने लगेगा, तो वापस नीचे भी गिर सकता है, वो नीचे ठेठ नीचे भी आ सकता है, मिथ्यात्व बन सकता है। तो इससे तो बहुत सजग होने की जरूरत है, हर साधक को सजग होने की जरूरत है। तो अपनी आत्मशुद्धि करते हुए ये भी मूल्यांकन हम करें कि मेरे में मान कषाय कितना बढ़ा हुआ है और मुझे उसको जीतने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। तो एक तो अनित्य से मूल्यांकन करना छोड़ना होगा, एक ये समझना होगा कि ऐसा करने से मेरा अधः पतन होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। फिर ये समझना होगा कि मेरे में अगर विनयशीलता होगी तो मेरे में ये गुण टिकेगा, नहीं तो ये गुण बाधक बन जाएगा। मेरे में समता भाव होगा तो मैं आगे बढ़ सकूंगा, अगर मैं विषमता में आ गया, समता को छोड़ दिया, तो फिर मेरे लिए घातक बन जाएगा। और मुझे अनित्य पदार्थों के साथ अपना मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। ये सब करके व्यक्ति मान कषाय पर विजय प्राप्त कर सकता है। उत्तम मार्दव का दिन है आज। उत्तम मार्दव क्या है? सम्यक दृष्टि का जो मार्दव है वो उत्तम मार्दव है, और उस मार्दव गुण का बाहरी लाभ नहीं देखा जाता। कई जो है ठगी व्यक्ति होते हैं जो बड़ा मीठा बोलते हैं और ऐसा लगेगा बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन भीतर में मायावी आचरण होता है। मायावी आचरण से वो दूसरों से ठग लेता है, तो ऐसा मीठा बोल करके अपने को बड़ा विनम्र दिखा करके अगर कोई आचरण करता तो वो भी त्याज्य है। सच में हम जैसा अंदर है वैसा बाहर, जैसा बाहर है वैसे अंदर रह करके ही अपने मान कषाय को जीत सकते हैं। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान पूर्ण होता है, और किसी के कोई जिज्ञासा हो प्रश्न हो तो अवश्य रखें, और इसकी और सजगता हमको बढ़ानी है कि हम कैसे इस कषाय से मुक्त हो सकते हैं। कषाय तो सारे त्याज्य हैं, पर आज उनकी मार्दव की चर्चा है इसलिए मैंने उसकी चर्चा की है। और धीरे धीरे अभी कल क्रोध की हुई तो आज अभिमान की हो गई है, और कल हम भी अपने आप शामिल हो जाएगा कि हम अपने भावों को कैसे दबा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ विराम देता हूं और आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। धन्यवाद। डॉक्टर जैन जी, एक जिज्ञासा है, दस लक्षण कब से, दस लक्षण की ट्रेनिंग, दस लक्षण की ट्रेनिंग कब से शुरू हुई? दस लक्षण कब से शुरू हुए? पहले पर्यूषण ऐसा है कि दस लक्षण पर्व को मानने वाले कुछ ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अनादि से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, मैंने पहले भी व्याख्यान में कहा था कि एक संवत्सरी पर्व जिसको उत्तम क्षमा के रूप में मनाया जाता है वो दोनों का कॉमन दिन है। तो कुछ ने तो उसके पहले के 8 दिन ले लिए हैं और कुछ ने 10 धर्म के आधार पर 10 दिन ले लिए हैं। और ये कब से चला आ रहा है ऐसा मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन इसकी सदियां हो गई है जब से 10 धर्म के आधार पर 10 लक्षण की चर्चा हो रही है, तो कुछ कई सदियों से ये प्रक्रिया चल रही है। पर हम एक दिन को तो कॉमन मना रहे हैं, बाकी दिन आगे पीछे हो गए हैं। अब श्वेतांबर परंपरा में 8 कर्मों का क्षय करने की दृष्टि से अष्टांगी का पर्व मान लिया है, वहां 10 धर्मों को आचरण में लाने की दृष्टि से 10 धर्म का कथन कर दिया गया है। अब ये 10 धर्म आत्मा में शुद्धि लाने का ही काम करते हैं, और वहां कर्म निर्जरा के लिए आगमों को पढ़ा जाता है, उन पर व्याख्यान किया जाता है ज्ञान दर्शन चरित्र आदि पर। तो ये तो हम कैसे शुद्धि कर सकते हैं, इसके लिए उपाय ढूंढे गए आचार्यों के द्वारा, और इसका जो है वो प्रक्रिया चल रही है, आज भी चल रही है। जी, हम लोग किसी का प्रश्न पर्यूषण दस लक्षण कंबाइन नहीं कर सकते जी, पर्यूषण दस लक्षण कंबाइन नहीं कर सकते 18 दिन। देखिए कंबाइंड ऐसा है, अकबर के जमाने में भी, अकबर के समय 18 दिन तक अमारी की घोषणा की गई थी, हिंसा को त्यागा गया था, कत्ल खानों को बंद रखा गया था, कसाईयों को हिदायत दे दी गई थी। तो उन्होंने
दोनों को इकट्ठा मान करके ही ऐसा किया कि श्वेतांबर परंपरा दिगंबर परंपरा दोनों की हम पूरे दिनों के लिए इसका कत्लखानों को बंद रखेंगे, ऐसे अकबर ने किया। तो ये इकट्ठा ही है, अब इसमें भी कोई हानि नहीं है किसी की। 18 दिन तक मनाया जा रहा है तो बुराई क्या है, बुराई तो कुछ नहीं है। तो मंगल पाठ हो जाए फिर। गुरु भगवंतों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जी जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।